इंक्रोचमेंट फोर्स की जानिब से माड़ीपुर रोड पर मच्छर कॉलोनी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुश्तइल अफराद ने पुलिस मोबाइल और मशीनरी को आग लगा दी है। ऑपरेशन जारी है मच्छर कॉलोनी में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की जानिब से, जहां पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था, क्या वहां पर मुजाहरीन मुश्तइल हो गए और उन्होंने पुलिस मोबाइल और मशीनरी को आग लगा दी। उबैद शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उबैद शाह, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मच्छर कॉलोनी में तजावेज के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था। इस दौरान मुश्तइल अफराद ने पुलिस पर फायरिंग किया और शदीद पथराव किया, जिसके नतीजे में हंगामा आराई में एडिशनल डायरेक्टर इंक्रोचमेंट बशीर सद्दीकी और डिप्टी डायरेक्टर नदीम जख्मी हो गए। सूरत हाल उस मजीद कशीदा उस वक्त हो गई जब पुलिस का कहना है कि जब मुजाहरीन ने फायरिंग की तो पुलिस को शैलिंग करनी पड़ी और लोगों को मुंतशिर करने के लिए। ये सर्कुलर रेलवे पर जो तजावजात कायम है उनके हवाले से एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई जारी थी। शरीर हंगामा रहा है, इस वक्त भी जारी है। माड़ीपुर रोड को इस वक्त ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। बिहारी एक्सप्रेस वे पर मोटरवे पुलिस ने रुकावटें लगाकर तमाम ट्रैफिक को डायवर्ट करना शुरू कर दिया है और माड़ीपुर पर इस वक्त शरीर ट्रैफिक जैम बताया जा रहा है। वो बैच आप अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।